बड़ी खबर आपको हम बता दें। सबसे पहली, नेताओं के भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाईकोर्ट में जवाब दिया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर हाईकोर्ट में जवाब दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली कोर्ट ने आदेश दिए हैं, तीन बीजेपी नेताओं पर FIR के आदेश हैं। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर FIR के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बता दें। नेताओं के भड़काऊ भाषण मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई रहने वाली है। आपको बता दें, जिस हिसाब से दिल्ली अभी कुछ दिनों पहले जली थी, उसको लेकर अब कोर्ट सख्त होते नजर आया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तो कोर्ट सख्त हो गया है दिल्ली में, जो हालात बने इन सभी चीजों को लेकर और जो FIR के आदेश हैं, इसके अलावा जो आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस याचिका के जरिए जो दिल्ली में हिंसा हो रही है, इस मामले में SIT बनाने की मांग की गई थी। इसी सुनवाई के दौरान जो दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ थी, उनकी तरफ से जो दिल्ली पुलिस का कड़ी फटकार यहाँ पर लगाई गई, और खासतौर पर जो फटकार लगाई गया, जो नेताओं से भड़काऊ बयान थे, और उन नेताओं की अगर बात करें जो केंद्र में राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा जो सांसद, और बीजेपी नेता कमल मिश्रा, इनके खिलाफ कड़ी नाराजगी यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जताई गई। और ये तक जो विशेष पुलिस आयुक्त थे दिल्ली पुलिस को, उनको दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये तक कहा गया है कि जो ये नेता है, इन नेताओं के वीडियो देखे जाए, और इन नेताओं के वीडियो देखने के बाद जो FIR दर्ज करने पर चेतनापूर्ण निर्णय लिया जाए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है, यानी एक तरीके से इन नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात यहाँ पे कही गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप इन नेताओं के वीडियो देखिए, और उन वीडियो को देखने के बाद चेतनापूर्ण निर्णय लीजिए, और फिर कोर्ट को आज रिपोर्ट करनी होगी दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को आज कोर्ट में अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट करनी होगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या वीडियो देखे जाते हैं, वीडियो में उनको क्या एविडेंस मिलते, फिर उस आधार पर दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, वो सारी की सारी रिपोर्ट आज दिल्ली हाईकोर्ट में देनी होगी। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस पेशेवर नहीं है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और हैंडफ्री उन्हें रहने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद क्या लगता है अनिल, कि दिल्ली के हालात सुधर पाएंगे? देखिए, दिल्ली के फिलहाल के हालातों की बात करें, दिल्ली के फिलहाल हालात अजीत डोभाल कल खुद देखा, अजीत डोभाल कल दिल्ली की सड़कों पर घूमे, उनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। दिल्ली में फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ पर हिंसा भड़की थी, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कल देर शाम तक जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जो NSA अजीत डोभाल, इनकी भी 2 घंटे तक बैठक चली, दिल्ली के हालात पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक के बाद जो NSA अजीत डोभाल, उनकी तरफ से कहा गया कि फिलहाल दिल्ली में हालात सामान्य है और जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। जी शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नेताओं के भड़काऊ भाषण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से भी जवाब मांगा है।